कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे, गरम करेंगे और हींग और जीरा डालेंगे। उसके बाद लंबा कटा हुआ प्याज और लहसुन डाल देंगे और 1 मिनट तक भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। और अब हम इसमें सब्जी डालेंगे, जो गोभी और मटर आलू को हमने काटा था वो डाल देंगे, और हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर। आप चाहें तो इसमें मीट मसाले भी डाल सकते हैं या किचन किंग भी डाल सकते हैं। और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी हम इसमें बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसको हम पहले भून लेंगे 2 मिनट तक। उसके बाद हम इसको ढक देंगे और पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी बनती है, इसका टेस्ट बिल्कुल अलग लगता है। इस तरह से हम इसको ढक देंगे और अब हम देखेंगे कि सब्जी हमारी आलू पका है या नहीं पका है। देखिए सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है, और ये पूड़ी के साथ या फिर पराठा के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। किसी भी छोटे मोटे त्यौहार पर बनाकर बनाइए इसको, पूड़ी के साथ खाइए। अब हमने इसमें कटा हुआ टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर दी है और इसको हमने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद फिर से हम इसको ढक देंगे। इस तरह से हम इसको कलछी से फोड़ देंगे सब्जी को, जिससे अच्छे से मिल जाएगी। इस तरह से हम ढक देंगे और पका लेंगे। तो अब हम फिर से देखते हैं, सब्जी हमारी लगभग बनकर तैयार हो चुकी है और देखिए पानी भी सूख गया है। सिर्फ सब्जी इतनी हमारी अच्छे से पक गई है कि तेल छोड़ दिया है सब्जी ने, और टमाटर भी अब मिक्स हो गया है। इस तरह से हम इसको फोड़ कर चेक करेंगे कि आलू अभी थोड़ा सा मुझे कच्चा लग रहा है। तो अब हम इसको गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। सब्जी हमारी जितनी ज़्यादा भूनेंगे सब्जी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। और ये बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसे डेली में हम लोग बनाते हैं बिल्कुल वही तरीके से मैंने बनाई, कुछ भी इसमें स्पेशल मैंने नहीं डाला है, और ये सब्जी टेस्ट बहुत अच्छी बनती है। और बस याद रखें, जब भी ये सब्जी बनाए इसको तो सभी मसाले सब चीज़ को इकट्ठा डालकर मिक्स कर दें और साथ में सबको भूनें। इस तरह से मैंने सब्जी को बनाया, आलू हमारा अच्छे से पक गया है। अब इसको हम भून लेंगे तो सब्जी हमारी तैयार हो गई है। ऊपर से डालेंगे हरा धनिया, गरम मसाला तो मैंने पहले ही ऐड कर दिया था, और सब्जी को मिक्स करेंगे। गोभी की सब्जी बनकर तैयार है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।